एक्टिविटी है, हर जो आपका लेसन्स होंगे उसके साथ साथ एक एक्टिविटी जुड़ा रहेगा। बिल्कुल। एक होता है कि लोगों के मन के अंदर एक प्रकार का डर है, पहला दिन हम डर मिटाते हैं, दूसरा दिन हम लोग एक नया कंसेप्ट को लाते हैं जिसको कहते हैं YGB। YGB वही है हम लोग जो यू नो डेल कार्नेगी के प्रोग्राम में सीखे थे, अपरेश आचार्य साहब ने हमको सिखाया था, यू गॉट टू बिलीव। एंड ये बिलीव क्या है और ये बिलीव हमको क्यों नहीं आता है, कहां पर खोते हैं और उस बिलीव को अपने अंदर वापस कैसा लाने का, यू गॉट टू बिलीव। हर एक चीज जो हम कर सकते हैं उस चीज को कैसे विश्वास में ला सकते हैं, उसको एक एक्टिविटी के जरिए सीखेंगे, उसके बाद इस लेसन्स के जरिए उसको इंप्लीमेंट कैसा करेंगे सीखेंगे। तो एक्टिविटीज आर गोइंग टू प्ले ए मेजर रोल, हर एक चीज को लाइफ टर्म इम्पैक्ट करने वाला एक गेम, एक एक्टिविटी इन दोनों के साथ जुड़ा जाने वाला है। और तब राजेश, इनफैक्ट जब आपने बोला ना यू गॉट टू बिलीव, जब हमारे पास कोई कोच नहीं होता, जब हमारे पास कोई गाइड नहीं होता, कोई मार्गदर्शक नहीं होता, तो हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं लेकिन वो रिग्रेसिव होते हैं। लेकिन जब हमको कोई गाइडेंस मिलता है, कोई सूत्रधार मिलता है, तो हमारे पीछे जाने वाला, करेक्ट राइट, आपको पीछे खींचने वाला। तो जब आप एक कोच के साथ जुड़ जाते हो, आप एक संस्था के साथ जुड़ जाते हो, तो आपके बिलीफ प्रोग्रेसिव बनते हैं, मतलब जिसमें आप और अपनी संस्था को आगे लेके जाते हैं। तो यू गॉट टू बिलीव मींस यू गॉट टू बिलीव इन प्रोग्रेस, इन प्रगति, इन ग्रोथ, राइट? एग्जैक्टली। मैं वहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी शायद देना चाहूंगा। हमने बचपन में कहानी सुना था, एक किसान जो है एक बकरी को लेके जा रहा था, चार बदमाश मिले और चारों बदमाश मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाया। पहला आके बोला कि ये एक यू नो बकरी नहीं है, कुत्ता है, इसको छोड़ दो, मगर ये इसने खरीद के लेके गया था, किसान ने छोड़ा नहीं। कुछ टाइम के बाद दूसरे ने भी बोला है कुत्ता है, कुछ टाइम के बाद तीसरे ने भी बोला और चौथे ने भी बोला, जब तक चौथा आदमी बोला, इस आदमी का जो बिलीफ सिस्टम है वो टूट गया, सचमुच उस बकरी को कुत्ता समझकर कुत्ते को छोड़ दिया, बकरी को छोड़ दिया, वो चारों बदमाश ने उस बकरी को खा लिया। और, हाँ जी, ये जो है ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम की इन्फ्लुएंस है। हम लोग एक बकरी को कुत्ता समझ लेते हैं, हमारा एनवायरनमेंट हर वो बकरी को कुत्ता बना देते हैं और हमारा एक्शंस उस नया बिलीफ ओरिएंटेड हो जाता है, एक्चुअल बिलीफ ओरिएंटेड नहीं होता है। एंड उसी चीज को हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए आपका एक्चुअल बिलीफ एंड फिक्शनल बिलीफ, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एग्जैक्टली आपके सामने पोर्ट्रे कर पाएंगे, जिसके वजह से आप कभी भी फिक्शनल बिलीफ में लाइफ में दोबारा नहीं फंसेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात राजेश जी ने कहा कि फिक्शनल बिलीफ और एक्चुअल बिलीफ। एक्चुअली तो बकरी है, हम कुत्ता मान गए, एक्चुअली यू नो, तो इस तरह से। और इन्होंने जो मेन बात कही, कंटिन्यूसली एक बिजनेसमैन के लाइफ में, एक धंधे वाले के लाइफ में, बिजनेस वुमेन के लाइफ में कंटिन्यूसली ऐसे बम्बार्डमेंट होते रहते हैं और वो बिलीफ गवा बैठता है। और आपको बनना है CBO, चीफ बिलीफ ऑफिसर। आपका बिलीफ ही है जो आपका कंपनी को आगे लेके जाएगा, लेकिन हर दिन आप ही कंफ्यूज है कि बकरी है कि कुत्ता है, तो इसमें तो बहुत नुकसान होने वाला है। आप जब वो वॉल प्लास्ट के बारे में बात कर रहे थे, 32 साल से 32 करोड़ वही जगह पर अटका हुआ था, कौन सा चीज मिसिंग था? शायद बिलीफ मिसिंग था। और यही प्रोग्राम एंटरप्रेनर गुरुकुल के प्रोग्राम अटेंड करने के बाद वही चीज आया उनके मन में कि हम भी 1500 कर सकते हैं, और 1500 करोड़ करने के चक्कर में 7 साल में 750 करोड़ पर पहुंच गए। बिल्कुल। एंड हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज हो रहा है कि एक बार बिलीफ ट्रांसफॉर्मेशन होते होते ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करने लगता है।